यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग टीचर्स. चलिए. हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में जो आपका टॉपिक हुआ था, दैट इज रिलेटेड टू सीरीज एंड पैरेलल. ठीक है, आपने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसके? कोई भी सिंपल न्यूमेरिकल, कुछ एनीथिंग एल्स? कोई न्यूमेरिकल किया या सिर्फ थ्योरी कॉन्सेप्ट किया था? अभी आपने वो फॉर्मूलाज किए कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज को कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकलता है, पैरेलल में हो तो कैसे निकलते हैं, वो कर लिया था. तो कौन मुझे बताएगा हाउ टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज? व्हाट इज द फॉर्मूला? यस, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस एंड फॉर पैरेलल. सम ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. यस, ठीक है. इफ हमारा टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड टू सीरीज एंड पैरेलल एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द न्यूमेरिकल्स, राइट? सो वी हैव टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज. तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज फाइंड करने के लिए क्या मेथड होता है बेटा? आर एस स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज. ठीक है, सो इट विल बी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. ये रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? थोड़ा सा रिकैप्चुलेट हो जाएगा आपका. होता क्या है रेजिस्टेंस? ऑब्स्टेकल. क्या करता है ये ऑब्स्टेकल? करंट को फ्लो करने से रोकता है. ठीक है, सो मैं आपके अगर मैं आपको बोलूं, आपके पास एक मेटल है, एक एलॉय है और एक इंसुलेटर है. देन आउट ऑफ दीज डिवाइसेज विच हैव द मैक्सिमम रेजिस्टेंस? इंसुलेटर इंसुलेटर्स. वाई? मैम, क्योंकि वो करंट के फ्लो को रोक देता है, क्योंकि वो जैसे हम रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके आगे भी प्लास्टिक की लेयर होती है, तो जो करंट फ्लो होता है वो रुक जाता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते. तो क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इन डिवाइसेस में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है. मतलब जो ये ऑब्स्टेकल है करंट को फ्लो करने नहीं देना, ये चीज बहुत ज्यादा है. इतना ज्यादा है कि करंट बेचारा आगे निकल ही नहीं पाता है. ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, यस, तो गुड कंडक्टर क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय गुड कंडक्टर देन? जिनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इजीली करंट को मतलब पास करते हैं, रेजिस्टेंस नहीं पैदा करते इतनी ज्यादा. ज्यादा नहीं, होती सब में है. अब वी कांट से कि रेजिस्टेंस इज नॉट देयर इन मेटल्स. रेजिस्टेंस इज देयर बट रेजिस्टेंस इज लेस. ठीक है, सो करंट कैन फ्लो इजिली. अब ये कोई मुझे रीजन बताएगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? व्हाई रेजिस्टेंस अकर्स? मैम, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब वाइब्रेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, उसके साथ जो प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जब उससे जाकर टकराते हैं तो वो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं. ओके, बेसिकली द कोलिजन इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस कोई टचेबल थिंग नहीं है कि आप रेजिस्टेंस को टच कर सको. ठीक है, ये तो एक इफेक्ट है जो कि क्रिएट हो रहा है ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, राइट? चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पे. दिस इज द रेजिस्टेंस इन सीरीज. टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज वी विल फाइंड इट बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस. एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल? वी विल राइट 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा, कितने भी रेजिस्टेंसेज होंगे. ठीक है, समझ आई ये चीज? ओके बेटा. नाउ आपकी वर्कशीट में बेटा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसको निकालो जरा. क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम्स आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी. ठीक है, अब मुझे ये बताइए यहां पर ये कैसे कनेक्टेड है? आर द बल्ब
एंड द रेजिस्टेंस, दे आर इन सीरीज, दे आर इन पैरेलल और व्हाट? क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ योर वर्कशीट बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो आगे क्वेश्चन है ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन, अंडर 2 मार्क्स क्वेश्चन, गॉट इट? यस और ये 10th ही कनेक्ट नहीं हुई बेटा अभी तक, कोई पता करेगा एक बार? सीरीज हाँ, दे आर इन सीरीज, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हाउ विल यू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस? 24 R + 8 देखो आपको क्या क्या दिया गया है, एक 4 ओम का बल्ब है, रेजिस्टेंस है, और एक 20 ओम का आपको बल्ब दिया गया है। इसको आप R1 ले लीजिए विच इज इक्वल्स टू 4 ओम्स, एंड यू कैन टेक इट एज R2 विच इज इक्वल्स टू 20 ओम। नाउ R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट? एज R1 एंड R2 आर इन सीरीज, राइट? तो हाउ विल यू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज? R+ R2 R2, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आंसर? 4 + 20 24 इज इक्वल्स टू 24 ओम्स। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, राइट? फॉर द सेकेंड पार्ट, द करंट थ्रू द सर्किट। हाँ जी, ओम्स लॉ किस किस को याद है? व्हाट इज ओम्स लॉ? यस, इज देर एनी वन हु रिमेंबर द फॉर्मूला? यस, हाँ जी, वो ब्लू टी शर्ट में जो है बच्चा। हाँ जी बोलिए। फॉर्मूला इज दैट वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, ओके लिख लेते हैं, आई इंटू आर, इज इट राइट? राइट, सो हमें अगर, हाँ जी राइट, ठीक है। अब मुझे करंट कैलकुलेट करना है, मुझसे करंट पूछा जा रहा है, द फॉर्मूला विल बिकम वी बाय आर। फॉर द सेकेंड पार्ट मुझे कैलकुलेट करना है करंट, राइट बच्चा? तो करंट कैसे कैलकुलेट होगा? आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। देखो अगर आपसे डायरेक्टली भी करंट पूछा जाता, फिर भी आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ता। यहां तो हमसे पूछ लिया था ना फर्स्ट पार्ट में कि टोटल रेजिस्टेंस बता दो कितना है, अगर करंट भी पूछते तब भी रेजिस्टेंस हमें निकालना ही पड़ता। तो आई क्या हो जाएगा बेटा? वी इज, द वैल्यू ऑफ वी इज 6 वोल्ट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 24। कितना आएगा? 1/4। हाउ मच इट इज इन डेसिमल? यस, ठीक है, 0.25 एम्पियर, राइट बच्चा? चलिए, कंप्लीट कीजिए इतना। यस, 10th है, एम आई ऑडिबल? रेज योर हैंड्स, 10th है बेटा, आवाज आ रही है? ओके बच्चे, गुड गुड। चलिए, चलिए बेटा, हम न्यूमेरिकल कर रहे थे बेटा अभी, सीरीज एंड पैरेलल के हमने जस्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट किए। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ योर वर्कशीट अंडर 2 मार्क्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ योर वर्कशीट अंडर 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है बेटा? आपको कोई एक और वर्कशीट मिली है बच्चे? डू यू गेट एनी वर्कशीट लाइक दिस? अभी मिल चुकी है कि नहीं मिली है? समझ नहीं आया रिस्पॉन्स, यस नो दोनों लग रहा है मुझे। ओके नो, ओके जी।
चलिए कोई बात नहीं, ये समझ आ गया क्वेश्चन इतना। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? 10th है, लिसन केयरफुली, आई एम रिपीटिंग फॉर यू, ठीक है? द क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में फॉर्मूला क्या लगता है बेटा? सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, सिंपली सम कर देते हैं हम। तो मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, 4 ओम्स एंड 20 ओम्स, आई एडेड दैट, इट इज 24 ओम्स। सेकेंड पार्ट इज आस्किंग करंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। सो I का फॉर्मूला क्या बन गया? 6/24, वैल्यूज पुट कर दी, वोल्टेज हमें 6 वोल्ट दी थी, रेजिस्टेंस 24 आया था, इट विल बी 1/4 एंड विच इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। यहां तक तो ये न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत सिंपल, ये नोट कर लीजिए 10th है, जल्दी से, ठीक है? अब मुझे ये चीज बताइए, हमारे पास वी हैव टू थिंग्स, करंट एंड पोटेंशियल। वी हैव टू सिंबल्स, करंट एंड पोटेंशियल। आउट ऑफ दिस जो सीरीज सर्किट है, इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? करंट और पोटेंशियल। यस, यस, 10th A 10th B। इन सीरीज सर्किट विच क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट? करंट और पोटेंशियल। करंट किसने बोला? अच्छा, 10th B से आंसर आया। एनीवन फ्रॉम द 10th A? करवाया हुआ है सर ने ये आपको? बताइए। देखो, ये 0.25 एम्पियर का क्या मतलब है कि यहां से जो करंट जा रहा है, दैट इज 0.25। अब मुझे ये बताओ, इज द करंट गेटिंग एनी अदर पाथ? क्या करंट को कोई और रास्ता मिल रहा है निकलने के लिए? बताओ, नहीं मिल रहा। एक ही तो रास्ता है इसके पास, यहीं से जाना पड़ेगा इसको। तो 4 एम्पियर डिवाइस में जो करंट है, दैट इज 0.25, और इस डिवाइस में भी जो करंट है, दैट इज 0.25। दोनों में ही करंट सेम है। इन सीरीज करंट विल रिमेन सेम, इन सीरीज करंट विल रिमेन सेम। रिपीट करो मेरे पीछे पीछे साथ में, दिमाग में बिठाकर, ठीक है? ये भूलना नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इन सीरीज विच क्वांटिटी विल रिमेन सेम? करंट। एंड विच क्वांटिटी विल चेंज? पोटेंशियल विल चेंज। इट मींस, व्हाट डज इट मीन? आई हैव द टोटल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल 6 वोल्ट, ठीक है? ये दोनों डिवाइसेस की जो वोल्टेज होगी, ठीक है, जो दोनों डिवाइसेस, इस वाली डिवाइस की और इस वाली डिवाइस की जो वोल्टेजेस आएंगी, उन दोनों का सम 6 वोल्ट होगा, ठीक है? तो कुछ वोल्टेज ये ले लेगा, कुछ वोल्टेज R2 ले लेगा। आई बेटा बात समझ? क्लियर? करंट सेम रहेगा दोनों में, पोटेंशियल चेंज होगा। तो थर्ड पार्ट में यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। यहाँ कंडक्टर लिख दिया, हाँ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। तो इट मीन्स नाउ मुझे क्या फाइंड करना है थर्ड पार्ट के लिए? वी कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स वी, ठीक है? V क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब फर्स्ट डिवाइस वो क्या कह रहे हैं, ले लो बल्ब, बोला उन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप, लैंप के क्रॉस निकालना है। अब लैंप का मुझे V कैलकुलेट करना है, VL ले लो, V2 लिख लो, या इसको V1 कर लो और इसका पोटेंशियल V2 कर लो। तो मुझे फाइंड करना है V2, ठीक है? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है बेटा? अभी हमने लिखा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल इज I इंटू R। बट अगर मुझे इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो मुझे रेजिस्टेंस भी यही वाला लेना पड़ेगा। तो कैन आई राइट R2? V2 इक्वल्स टू I इंटू R2। नाउ व्हाट इज I? I की वैल्यू कितनी लिखी हुई है बेटा?
0.25, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर टू? 20। ठीक है, आप 0.25 की जगह 1/4 भी लिख सकते हो बेटा। ये देखो इसी से बना था ना, ये 0.25 इज इक्वल एंड टू 1/4। देखो आंसर कितना आ गया, V2 इज 5 वोल्ट। ठीक है बच्चे, नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है बी पार्ट के लिए, कंडक्टर के लिए। बी पार्ट इज कंडक्टर, मुझे फाइंड करना है V1। इट विल बिकम आई इंटू R1, आई इंटू R1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इन केस ऑफ R1? 2.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? 4। सो वन कैन आई राइट इट लाइक 1/4, एंड इट विल बी 4। ठीक है, इट विल बी कैंसल आउट, इट विल बी 1 वोल्ट। ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे बेटा, 1 वोल्ट। प्लस करो V1 प्लस V2, देखो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है या नहीं आ रहा? गेटिंग 6, मतलब इसके पास पोटेंशियल आया 1 वोल्ट और इसने कितना लिया, 5 वोल्ट। इज इट क्लियर? हाँ जी, कर लीजिए इसको कंप्लीट कीजिए जरा जल्दी से। सी पार्ट बेटा अभी इसका स्किप करते हैं, क्योंकि पावर का क्वेश्चन है वो अभी आपने टॉपिक नहीं किया हुआ, पावर के अलग फॉर्मूलाज हैं वो अभी आपने नहीं किए हुए। ठीक है, किसी को कोई डाउट, किसी ने कुछ पूछना हो बेटा इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड? क्योंकि थर्ड पार्ट में ही डिफिकल्टी आती है इसके, फर्स्ट सेकंड पार्ट तो हो जाते हैं इजीली सबके। ठीक है, कंप्लीटेड, डन। ओके बेटे, क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ कर रही हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए बेटा, फिगर साथ साथ में, ओम्स 3 ओम, 3 ओम्स एंड 4 ओम, दिस इज प्लस माइनस 6। ड्रॉ द फिगर, डन। राइट द क्वेश्चन बेटा, फाइंड द रीडिंग ऑन एमीटर, फाइंड द रीडिंग ऑन एमीटर एंड इन वोल्ट मीटर, फाइंड द रीडिंग ऑन एमीटर एंड ऑन वोल्ट मीटर। एमीटर हमें क्या बताता है बेटा, यस बताइए, एमीटर क्या कैलकुलेट करके देता है हमें, करंट एंड वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर वोल्टेज। वोल्टेज। ठीक है, तो इट मींस आपको आई कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में एंड वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वोल्टेज कौन सी वाली, 2 ओम्स की अलोंग। तो क्या हम इसको R1 R2 ऐसे लिख लें, R3 R4? ठीक है, चलिए
अब ये क्वेश्चन वही वाला बन गया। मैंने कहा था कि अगर करंट डायरेक्टली पूछ लें आपसे तब भी आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल टोटल रेजिस्टेंस। कैलकुलेट कीजिए जरा, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। देखो एमीटर यहां लगा हुआ है। अच्छा एमीटर के ऊपर प्लस माइनस साइन होते हैं तो कैसे लगेंगे? इस एमीटर के ऊपर प्लस माइनस में ऐसे प्लेस करूं या सेकंड वाले केस की तरह? रेजिस्टेंस इस डायग्राम के लिए मुझे फर्स्ट सिचुएशन ठीक है या सेकंड सिचुएशन ठीक है? फर्स्ट फर्स्ट वन, फर्स्ट सिचुएशन, बिकॉज यहां पर प्लस, यहां ठीक है यस माइनस टर्मिनल विद द माइनस टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड पॉजिटिव विद पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, ऐसे लगेगा ठीक है। सिमिलरली विद पोटेंशियल, वोल्ट वोल्ट मीटर के साथ भी ऐसे ही होता है। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया बेटा? 12 वोल्ट। ये तो सबको इजी हो गया होगा टोटल रेजिस्टेंस ना। अब फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं कि करंट कैलकुलेट करो। नाउ करंट कैसे निकलेगा? I इज इक्वल्स टू V बाय R, V इज 6 एंड R इज 12, इट विल बी 1/2 व्हिच इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पीयर। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, R3 में कितना करंट है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन R3? करंट करंट, आई एम आस्किंग अबाउट करंट इन R3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? जिसको पता है, जिसको, जस्ट रेज योर हैंड्स दोज हु नोज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन R3। मैं यहां पर पूछ रही हूँ बेटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट? यस 10th है, सबसे पूछा बेटा मैंने, 10th में से किसी को नहीं पता? 10th बी में से तो काफी हैंड्स रेज हो चुके हैं, 10th है। यस बेटा, नो वन? ओके 10th बी, एनीवन? कोई बताइए। 0.25 अच्छा R4 में कितना करंट है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन R4? 0.5 क्योंकि ओके आपने परसेंट यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन R1? 0.5। बेटा लुक, वी कैलकुलेट द करंट 0.5 एम्पियर। 0.5, देखो एमीटर कहीं पर भी प्लेस हो सकता है, एमीटर कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द सर्किट। तो ये नहीं देखना कि यहां लगा दिया तो पता नहीं क्या हो गया, ये एमीटर इधर की जगह यहां भी लगा सकते हैं, हम यहां पर भी प्लेस कर सकते हैं, वी कैन प्लेस इट एनीवेयर, ठीक है। उससे करंट के वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चे। चलिए यहां पे करंट जा रहा है बेटा 0.5, यहां भी 0.5, इसमें भी 0.5 जा रहा है बेटा। करंट को कोई नया पाथ तो नहीं मिल रहा ना जाने के लिए, करंट को इसी रास्ते से ही निकलना पड़ेगा। कहीं से वो थोड़ा स्लो पास करेगा, कहीं से वो थोड़ा फास्ट पास कर जाएगा, बट जाएगा वो यहीं से। सबके पास कितना करंट है बेटा? 0.5। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था द करंट विल रिमेन सेम इन सीरीज सर्किट, सभी रेजिस्टेंस, चाहे यहाँ पे 50 रेजिस्टेंसेस लगा दे, करंट सबके अंदर सेम जाएगा 0.5 एम्पियर। इज इट क्लियर 10th? Yes. राइट, अब नहीं भूलना बेटा। सो फॉर सेकेंड पार्ट हमसे क्या पूछा गया है? पोटेंशियल निकालिए। पोटेंशियल एक तो मुझे दिया हुआ है ये वाला, बट मुझे पोटेंशियल ये वाला पूछा गया है, इसको हम V1 कर लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल पूछा गया है V1 का। नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला? यस I इंटू R1 क्यों लिया? क्योंकि सिर्फ इसी का कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? 0.5, 0.5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 इज 2। कितना आ गया? 5 to the 10, 1.0, इट विल बी 1 वोल्ट। V1 कितना आ गया बेटा? 1 वोल्ट। इज इट क्लियर?
नोट करो, और मुझे आप आर फोर के अलोंग फटाफट से रेजिस्टेंस कैलकुलेट, सॉरी पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखाइए आर फोर के अलोंग। हाँ जी, कैलकुलेट द पोटेंशियल अलोंग आर फोर। टू टू, गुड। देखो 2 ohms में 1 volt आंसर आया, 4 ohms में 2 volt आंसर आया, डबल हो गया। मोर द रेजिस्टेंस मोर विल बी द वोल्टेज फॉर द सेम करंट। चलो ये हो गया कंप्लीट बेटा सबका। यस 10 थे, कोई डाउट बेटा? वेरी गुड, फिर तो तुमसे ही क्वेश्चन पूछूंगी अब मैं सारे। 10 थे को कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अब जो स्माइल कर रहे हैं ना बच्चे, उनसे ज्यादा पूछ लेते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। चलो हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन आर फोर? मुझे वी फोर कैलकुलेट करने को बोला गया है, ठीक है? तो क्या बन जाएगा, I इंटू आर फोर। I कितना रहेगा सीरीज में, सेम रहेगा 0.5, एंड आर फोर इज 4, इट विल बी 2 वोल्ट। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी बच्चे, डन हो गया बेटा, बताओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ओके बेटा, नाउ ड्रॉ वन मोर फिगर बेटा। चलिए चलिए जल्दी से, दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवेन, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए जरा, डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन लिखिए जरा। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस द रीडिंग इन एमीटर, द रीडिंग इन एमीटर एंड द पोटेंशियल, सॉरी एंड द करंट अलोंग, थर्ड पार्ट करंट अलोंग आर वन एंड आर टू, करंट अलोंग आर वन एंड आर टू। लिख लिया बच्चे, डन? चलिए, पहली बात, नाउ दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट? पैरेलल में है ना, सीरीज में तो नहीं है अभी। सीरीज में क्या होता है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, है ना, ऐसे 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 करके होंगे सीरीज में। सो दीज आर इन पैरेलल, वन बिलो द अदर आर कॉल्ड पैरेलल, वन आफ्टर द अदर आर कॉल्ड इन सीरीज।
तो ये एक दूसरे के नीचे हैं तो दे आर इन पैरलल। ठीक है, अभी एक तरीका और बताऊंगी आइडेंटिफाई करने का सीरीज और पैरलल का। ठीक है, इसमें मुझे अब एक चीज बताइए, सीरीज में हमने बोला करंट सेम रहेगा एंड पोटेंशियल विल चेंज, पैरेलल में क्या होगा? अगर पैरेलल सर्किट है देन व्हाट विल हैपन? रिवर्स हो जाएगी कंडीशन, करंट विल चेंज एंड पोटेंशियल विल रिमेन सेम। ठीक है, कहने का मतलब यह कि अगर मेरे पास यहां पर 6 वोल्ट की बैटरी है तो R1 के पास कितना पोटेंशियल है इस टाइम? R1 हैज अ पोटेंशियल ऑफ 6 वोल्ट एंड R2 ऑल्सो हैज अ पोटेंशियल ऑफ 6 वोल्ट, बिकॉज इन पैरेलल द पोटेंशियल विल रिमेन सेम। हमारे जो हाउस होल्ड सर्किट्स हैं, घरों में जो सर्किट लगे हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? हमारे घरों में पोटेंशियल कितना आता है, वोल्टेज सप्लाई कितनी आती है? एनीवन बताओ, 220 वोल्ट। अब उसी 220 वोल्ट पर एसी भी चलता है, गीजर भी चलता है, फैन भी चलता है, सब कुछ चल रहा है 220 वोल्ट के ऊपर, सबका पोटेंशियल सेम। So, हमारा हाउस होल्ड सर्किट कैसे कनेक्टेड है? आर दे इन सीरीज और इन पैरलल? पैरलल। ठीक है, पैरलल में है इसीलिए सभी डिवाइसेस के पास पोटेंशियल सेम आ रहा है 220 वोल्ट। इज दिस क्लियर? ठीक यस है, सो पोटेंशियल विल रिमेन सेम इन पैरलल कनेक्शन, करंट विल चेंज। देखो, यहां से कुछ करंट आएगा बैटरी से, इधर जाएगा, यहां जाएगा। एट दिस पॉइंट देयर आर टू डिफरेंट पाथ फॉर द करंट टू मूव। अब करंट ने सपोज ये पॉइंट आपका एक्स था और ये पॉइंट वाई था, फ्रॉम एक्स टू वाई आना है। नाउ द करंट हैज टू डिफरेंट पाथ, कहीं से भी चला जाएगा वो, दो पाथ मिले तो दोनों से ही जाएगा, थोड़ा सा ऊपर वाले R1 से और थोड़ा सा R2 से। समझ आई ये चीज? लेटर से हम मान लेते हैं यहां से करंट की वैल्यू थी I1 और यहां पर करंट गया I2। ठीक है, अगर करंट एक ही पाथ से जा रहा है तो वो रेजिस्टर्स होते हैं सीरीज में। इफ द करंट इज मूविंग इन टू डिफरेंट पाथ और थ्री डिफरेंट पाथ तो वो रेजिस्टर्स बन जाते हैं हमारे पैरेलल में। ठीक है बेटा, अगर करंट को रास्ता मिल रहा है, R1 के अंदर I1 करंट है, R2 में I2 करंट है, द करंट इज डिफरेंट, तो जब जब करंट डिफरेंट होगा वो सारे रेजिस्टर्स आपके पैरेलल में बनते जाएंगे। क्लियर? करेंगे इसको, एक और एग्जांपल से समझाऊंगे। भी फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं, हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है एज R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। तो क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा? 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। स्टार्टिंग में समझाया मैंने ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2। इसको ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको सिर्फ RP लिख देते हैं, इट इज 1/RP। यहीं पे कैलकुलेशंस की गड़बड़ हो जाती है फिर। तो देखो ये क्या बना, व्हाट इज R1 10, व्हाट इज R2 5, व्हाट विल बी द एलसीएम 10, 1 + 2 इट विल बी 3/10। ठीक है बच्चे, 3/10 मींस इट इज अ वैल्यू ऑफ 1/RP एक्चुअली। ठीक है जी, तो RP के वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, रेसिप्रोकल ले लो, इट विल बी 10/3। सॉल्व करो इसको, ध्यान रखना है बेटा बहुत ज्यादा, 1/RP इज 3/10 बट आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RP, सो आई विल राइट 10/3। रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया मैंने, 1/RP था मेरे पास 3/10, तो RP कितना हो गया 10/3। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3.3 ओम्स समथिंग मिल जाएगा हमें। राइट बच्चा, इज इट क्लियर?
चलिए नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड टोटल करंट। अगेन वही फॉर्मूला बेटा, टोटल करंट का फॉर्मूला इज यस। करंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताइए। वी आर। बाय आर, ठीक है, वी बाय आर। कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो बेटा, वी बाय आर याद कर लो, ठीक है, वी इक्वल्स टू आई इंटू आर याद कर लो, उसी से उसी को ट्विस्ट करते जाओ फॉर्मूला को, ठीक है। तो आई इज वी बाय आर, आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वोल्टेज मुझे कितनी गिवन है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना आया मेरे पास 3.3। तो रादर राइटिंग देन 3.3, इट इज बेटर टू राइट 10/3, लिख सकते हैं ना हम, कैन वी राइट, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे लिखा 6 होल अपॉन 10/3, तो 3 ऊपर आ गया 10 नीचे आ गया, तो ये इजी हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन, ओरल कैलकुलेशन 18/10 एंड इट विल बी 1.8। लिखो, देर इज नो नीड ऑफ डिविजन, ओरली कर लोगे फिर, ठीक है। आपके पास दो तरीके होते हैं, कोई भी आप एक वैल्यू यूज कर सकते हो यहां से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। यू कैन यूज 3.3 ऑल्सो एंड यू कैन यूज 10.3 ऑल्सो, ठीक है, क्लियर। तो दो पार्ट्स हमारे हुए, अब थर्ड पार्ट इसमें क्या कहते हैं बेटा, अब ध्यान से ज्यादा सुनना थर्ड पार्ट के लिए। नाउ द थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट क्या कह रहे कि पोटेंशियल निकालो, सॉरी करंट निकालो आई वन एंड आई टू। अब मुझे ये बताओ इसका पोटेंशियल कितना था, आर वन का पोटेंशियल कितना है, दे आर इन पैरेलल, तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ आर वन, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट, एंड यहां पर पोटेंशियल कितना रहेगा, 6 वोल्ट रहेगा। अब मुझे आई वन कैलकुलेट करना है, नाउ आई वन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, नाउ द पोटेंशियल इज सेम अपॉन आर वन, सिमिलरली आई टू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी अपॉन आर टू, रिड्यूस कर दो, पोटेंशियल इज 6 वोल्ट एंड दिस इज 10, दिस इज 3/5, कितना आ जाएगा 0.6 एम्पियर, ठीक है बच्चे, ये 5 है। ठीक है बेटा, आई टू वी कितना अगेन 6 एंड ये रहेगा 5, इट विल बी 1.2 एम्पियर। राइट, प्लस करके देख लो आई वन और आई टू, क्या आपको 1.8 मिल रहा है, अगर आ रहा है तो इसका मतलब आंसर करेक्ट है आपका। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा सबको, ठीक है। दो हमने टाइप्स कर लिए सीरीज में और पैरेलल में सिंपल सर्किट्स के केस में, अब हम एक करेंगे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का। हाँ जी बेटे, डन कर लिया, तो बेटा बताओ फिर आगे चले। चल ना, क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, ड्रॉ द फिगर। चल ये शेप बनेगी, कंप्लीट कर लेते,
चलिए ड्रॉ दिस फिगर, फिर मैं क्वेश्चंस डिक्टेट करवाती हूँ आपको। हो गया बच्चे, राइट डाउन द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। सेकंड पार्ट, फाइंड द टोटल करंट। थर्ड एंड थर्ड पार्ट, पोटेंशियल अलोंग 10 ओम रेजिस्टेंस। यस, 10th भी लिख लिया था क्वेश्चन बेटा। फर्स्ट पार्ट, फाइंड टोटल करंट, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। सेकंड पार्ट, फाइंड द करंट। एंड थर्ड पार्ट इज फाइंड द पोटेंशियल अलोंग 10 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द पोटेंशियल अलोंग 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे, चलिए देखो अब यहां पर क्या है बेटा। दिस सर्किट इज नॉट एंटायरली इन सीरीज और इन पैरेलल, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। इफ यू लीव दिस पार्ट, हाउ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड? यस, आप इस पार्ट को लीव कर दो कि 10 ओम है ही नहीं है, देन हाउ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड एनीवन फ्रॉम द 10th ए? यस, 10th बी। करना यस, आई एम आस्किंग इफ आई हाइड दिस 10 ओम रेजिस्टेंस, देन हाउ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड? पैरेलल। पैरेलल। तो कैन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल फॉर 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टर फर्स्ट? ठीक है, करिए जरा। हेयर आप इनको नंबर कर सकते हो, R1 लिख लो, R2 लिख लो एंड R3 कर लो। लेकिन हेयर R1, हेयर R1 एंड R2, ये कलर, एक मिनट, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, राइट बेटा? देयर फोर 1/RP किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 1/R1 प्लस 1/R2, सो इट विल बी 1/R1 कितना है 3 एंड R2 कितना है 6। सॉल्व कर लीजिए, व्हाट विल बी द एलसीएम? 6 आ जाएगा, हियर 2 एंड 1 इट विल बी 3/6 और यू कैन राइट इट 1/2। तो ये तो मेरे पास वैल्यू है 1/RP की, 1/RP इज 1/2 विच इम्प्लाइज रेसिप्रोकल ले लेंगे। एक बार मैं कर रही हूँ, आप नोट करने का टाइम देती हूँ। तो ये आपके पास आया 2, ये नोट कीजिए। RP इज 2 ohms। डन। क्या ये टोटल रेजिस्टेंस निकल गया हमारा? नहीं, अभी क्या बना? देखो ये पूरा सर्किट अब कैसे चेंज हो चुका है, 10 को तो अभी हमने कुछ किया नहीं, 10 इज एज इट इज, और इस पूरे की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है सॉल्व करके?
तो इन दोनों की जगह मैंने क्या अप्लाई कर दिया, एक 2 ओम का रेजिस्टर्स इस तरीके से, R3 अभी भी वैसे का वैसे। अब मुझे बताइए R3 एंड RP हाउ दे आर कनेक्टेड नाउ सीरीज सीरीज में। अब सीरीज का फॉर्मूला लगा दो, नाउ ये ड्रॉ कर लेना बेटा साथ में, हेल्प रहेगी बाद में, ठीक है। नाउ R3 एंड RP आर इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में है तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला लगा दीजिए, R3 प्लस RP हो जाएगा, R3 10 और वो 2, इट विल बी 12 ओम। तो ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस निकला है आंसर में। ठीक है बच्चे, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया हमारे पास, 12। राइट बेटा, चलिए हो गया बेटा सबका, रेज योर हैंड जिस जिसने लिख लिया है। राइट, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है नेक्स्ट, हमें बोला गया करंट निकालने के लिए, टोटल करंट जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, ये मैं बोर्ड पे नहीं कर रही हूं, करंट फाइंड कीजिए जरा जल्दी से, बहुत क्वेश्चंस हो गए अभी तो। हाँ जी, आया नहीं आंसर, आना चाहिए, जल्दी करो, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। यस, व्हाट इज आंसर, व्हाट इज द करंट, यस किसी किसी ने बोला कुछ, 1 I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, V इज 12 एंड R इज ऑल्सो 12, तो I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर, ठीक है, करंट इज 1 एम्पियर, राइट। अच्छा चलिए, अब मुझे ये बताइए R3 में से करंट कितना जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू R3, यस। अब मुझे ये बताओ ना, इसको सॉल्व किया देखो, R3 और RP ये दोनों 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये 10 ओम और ये 2 ओम, अब सीरीज में है, करंट मेरा कैलकुलेट हुआ 1 एम्पियर। अब मुझे बताओ 10 ओम में कितना करंट गया, जो 10 ओम डिवाइस है उसमें कितना करंट है बेटा, 1 एम्पियर, ठीक है, तो इसमें करंट आ रहा है 1 एम्पियर, यहां पर कितना जा रहा है आरपी में, करंट कितना जा रहा है बताओ, इसमें भी 1 एम्पियर जा रहा है क्योंकि अब ये सीरीज में बन गए हैं, करंट विल रिमेन सेम। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 10 ओम रेजिस्टेंस में पोटेंशियल बताओ कितना है, अब आपको 10 ओम रेजिस्टेंस के लिए दो चीजें पता लग चुकी हैं पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, थर्ड पार्ट आपको कह रहा है कि पोटेंशियल अलोंग 10 ओम क्या फाइंड कर सकते हो, जल्दी से बताइए कितना आएगा पोटेंशियल अलोंग 10 ओम। R3 लिखा था इसलिए मैंने V3 लिख दिया, ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला इज I इंटू R3 हो जाएगा, यस जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, इट विल बी 10, गुड, क्योंकि करंट तो 1 है, R3 10 ओम है, इट विल बी 10 वोल्ट। अच्छा बात बताओ, अगर ये हो गया तो ये डन,
अगर इसके पास 10 वोल्ट पोटेंशियल है यहां पर, तो आरपी के पास कितना पोटेंशियल है? टोटल तो 12 था मेरे पास, टोटल वैल्यूज 12। 12 में से 10 ओम तो चला गया आर थ्री के पास, आरपी के पास कितना पोटेंशियल बचा? यस 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। ठीक है, हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है चीजें, ठीक है? आप इस तरीके से भी बता सकते हो, यहां पर पोटेंशियल बचा 2 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट तो इसका ही कैलकुलेट हो गया हमारा। बात समझ आई है? कोई पूछ ले कि आरपी के लॉन्ग कितना है पोटेंशियल। अच्छा, 3 ओम का पोटेंशियल कितना बना? थ्री ओम का या ये किस ये इसकी वैल्यू कितनी आई थी? ये वाली, इस पूरे कॉम्बिनेशन की वैल्यू 2 ओम्स निकली थी हमारी, हमने यही कैलकुलेट किया ना। और 2 ओम का पोटेंशियल हमने अभी पता किया कि 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट। तो R1 का पोटेंशियल कितना रहेगा? पैरेलल में है अभी ये, 2 वोल्ट। R2 का पोटेंशियल कितना रहेगा? 2 वोल्ट, क्योंकि ये पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है। इस पार्ट को छोड़ दो, ये है ही नहीं है। इस पूरे का पोटेंशियल 2 वोल्ट आया है। क्लियर हो? चलिए ये कंप्लीट करो जरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, जल्दी से करते हैं। ये कंप्लीट है बेटा सबका? रेज योर हैंड जिसका हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए फिगर ड्रॉ कर रही हूं मैं। चलिए, अच्छा इट इज 3.6 ओम्स, 6 ओम, 3 ओम्स, 1 ओम, 3 ओम, एंड द बैटरी इज ऑफ 4.5 वोल्ट। बेसिकली अभी मेरा पर्पस क्या है? आपको टोटल रेजिस्टेंस सिखाना। वो आ गया तो करंट तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, ठीक है? अब ये क्वेश्चन, ये फिगर किस किस स्टूडेंट को समझ आई है कि ये क्या है? फिगर किस चीज की फिगर है? ये किसको समझ आया है? डायग्राम पिक्चर है, कॉम, कॉम्बिनेशन हाँ जी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। ऑफ। कौन एक्सप्लेन कर सकता है कि कौन से करेक्ट जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में हैं, कौन से रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं? 3.6 ओम एंड 3 ओम ये सीरीज में है, और 6 ओम, 1 ओम और 3 ओम ये पैरेलल है। अच्छा, वन एंड यस। थ्री भी सीरीज में है। तो बिगिनिंग कहाँ से करें? प्रॉब्लम आ गई, पहले हम चलते हैं कॉम्प्लिकेटेड पार्ट की। बस यू लीव दिस थिंग्स, 3.6 और 3 ओम्स को भूल जाओ कि है ही नहीं है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? 6 ओम्स, 1 ओम एंड 3 ओम, ये बचे। हाउ यू विल सॉल्व दिस पार्ट? पहले सिक्स, को प्लस कर देंगे, हाँ उसके बाद 4 को। बिल्कुल, पहले तो इसको कर लेंगे। ये सीरीज में बन गया, ये 6 रहा, ये 1 प्लस 3, ये 4 ओम बन गया। 1 एंड 3 क्या है हमारे? दे आर इन सीरीज। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलते हैं? प्लस करके। लिखते जाओ इनको, वैल्यूज बना लो बेटा। R1, R2, R3, R4 लिख लो, फिर इससे इजी हो जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हो R3 एंड R4 आर इन सीरीज। R3 एंड R4 आर इन सीरीज, देयरफॉर
रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना बन जाएगा बेटा, आर थ्री प्लस आर फोर, 1 + 3 इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चे, नाउ 6 ओम्स एंड 4 ओम्स कैसे कनेक्टेड है बेटा? पैरेलल पैरेलल में आर टू एंड आर एस आर इन पैरेलल, कैलकुलेट कर दो जल्दी से क्या आंसर आया बेटा। 1/RP का फॉर्मूला लगेगा, 1/R2 प्लस 1/RS। आर टू कितना आया, 6 और ये 4, सॉल्व कर दो। ठीक है जी, एलसीएम कितना आएगा बोलो, 12, 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, इट विल बी 5/12। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, इट विल बी 12/5, कितना आ गया 4 पॉइंट, अरे 2 पॉइंट, सॉरी सॉरी, इट विल बी 2.5, हाँ 4 4 4, सॉरी बेटा सॉरी, 2.4। ठीक है, 2.4 ओम, इज इट राइट? तो ये हमारे पास अभी इस पार्ट को सॉल्व करके आया बेटा, अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने इतने पार्ट को सॉल्व किया है, राइट? अब इसकी जगह आप पूरे कॉम्बिनेशन की जगह 2.4 ओम यूज कर सकते हो। ठीक, अब ये क्या बना, 3.6, हो गया 2.4, हां जी। ठीक है, अब ये सब क्या किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, सीरीज में। ये आ गया 3.6, ये आया 2.4 और ये बना 3। अब सब सीरीज में हो गए, अब निकलेगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे, तो स्प्लिट करके डायग्राम देख के घबराना नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है, पहले जो जो पार्ट बड़े बड़े पार्ट लग रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, वहां पर कॉन्सेंट्रेट करें कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, देन सिंप्लीफाई करके सिंपल डायग्राम में उसको कन्वर्ट कर दो। नाउ ऑल दीज आर इन सीरीज, 3.6 प्लस 2.4 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9, नाइन, तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 9 ओम्स आ गया। बस अब करंट तो निकल ही जाएगा, करंट का फॉर्मूला V/R, V आपको 4 पॉइंट गिवन है, 4.5 और R इज 9, इट इज 4.5/9, तो 45/10 इंटू 9, 9 × 5 = 45, ये आ गया 1/2, इसकी वैल्यू आ गई 0.5 mm, राइट? एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, ये न्यूमेरिकल सबसे इजी न्यूमेरिकल थे यस कि कहाँ पे कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में, फिर कोई मुश्किल नहीं आएगी। इज इट क्लियर? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, किसी ने कुछ पूछना तो पूछ सकता है बेटा, बताइए, ये कंप्लीट कर लो क्वेश्चन, और कोई डाउट है तो आकर पूछ सकते हो। सीरीज में क्या चीज सेम रहती है सभी रेजिस्टर्स में, सीरीज में जो करंट है वो सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा। हाँ, अगर मैंने डायग्राम इसकी बात करूं, 3.6 ओम्स में कितना करंट आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन 3.6 ओम्स? यस, फिर मैं 10 थे, चलो मैं नाम लेकर ही बुलाती हूँ, 10 थे में से ईशप्रीत आ जाओ, आ जाओ, हाँ जी बेटा, 3.6 ओम, आर इस R1 में से करंट कितना जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? जीरो तो नहीं जा रहा जो आप साइलेंट खड़े हो गए,
बोलो बेटा, सीरीज में क्या सेम रहता है? मेरे पास करंट कैलकुलेट हुआ 0.5 एम्पियर, राइट? देखो अब जरा समझो, 0.5 एम्पियर करंट यहां से जा रहा है, तो इस करंट को क्या कोई और पाथ मिल रहा है क्रॉस होने के लिए? कहीं से निकल सकता है इशप्रीत? नहीं, तो 3.6 सबसे पहले मिला उसको रेजिस्टेंस, तो कितना करंट जा रहा है 3.6 में से? 0.5। आगे 2.4 में से कितना जा रहा है बोलो? 0.5। आगे 3 में से कितना क्रॉस कर रहा है? 0.5। क्यों सबके अंदर सेम है करंट? क्योंकि ये सब किस में कनेक्ट हो चुके हैं? सीरीज में कनेक्ट हो चुके हैं, राइट? समझ आया? हंस लो पहले, चलो गो बैक टू योर सीट। हाँ जी, 10 थे। सागर शर्मा आओ जरा। चलिए, 3 ओम्स में से पोटेंशियल कितना है? व्हाट इज द पोटेंशियल अलोंग 3 ओम्स? ये भी जीरो हो गया। थ्री पॉइंट सिक्स 3.6। 3.6 मैंने क्वेश्चन में कहाँ लिखा? उस क्वेश्चन को भूल जाओ, ये सारा खत्म। ये तो मैंने अब न्यू दिया है कुछ अपनी तरफ से, ठीक है? उस क्वेश्चन को, प्रीवियस वाले को भूल जाओ। 3 ओम्स के अलॉन्ग पोटेंशियल कितना है बेटा? मैंने स्टार्टिंग में एक चीज लिखवाई थी आपको कि जो भी है लास्ट कैसे, ठीक है? मैंने आपको एक कुछ बताया था कि पैरेलल में क्या सेम रहता है, पैरेलल कनेक्शन में। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में सागर? अच्छा शुक्र है, पैरेलल में कनेक्टेड है तो करंट डिफरेंट होगा और पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होने का क्या मतलब है कि 3 ओम्स में जो ये जो गिवन पोटेंशियल है ये सेम रहेगा सबका, टोटल सर्किट में भी इतना ही है, इंडिविजुअली भी इतना है। जैसे हमारे घरों में आता है क्या सप्लाई आती है? 220 वोल्ट, ये वो सप्लाई है। फैन की वोल्टेज वो भी 220, एसी की वोल्टेज वो भी 220, पैरेलल में है। समझ आए? ये देखो, करंट डिफरेंट एंड पोटेंशियल सेम। 3 ओम में करंट कुछ और होगा, इसमें करंट कुछ और होगा, बट पोटेंशियल इसका 4 वोल्ट रहेगा और इसका भी 4 वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल में है। ठीक है बच्चे, समझ आया सागर? ओके जी, चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी ये रिवाइज कर लेना बेटा एक बार सारी चीजें, ठीक है?